गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बजे हैं 8 और अभी मैं अपना जो है अपना सारा काम अभी करने वाली हूँ और ठंड बहुत पड़ी है गाइस, तो अभी मैं पहनने वाली हूँ स्वेटर जो मैंने कल ही निकाला है। कंप्लीट मेरा बेड अभी करना है इसको, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ओह माय गॉड, और ये जो है ना ये मैंने खोल दिया है क्योंकि रोशनी बहुत आती थी। अब ठंड का टाइम है, अब जो कि नहीं चाहिए मुझे ये कूलर जो कि मैं हटाने वाली हूँ यहाँ से, और ये कुछ इस तरीके से हटाने वाली हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे लग गई है भूख, तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। भूख लगी है मुझे, पहले काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने लगाया था लहसुन जो कि ये हो चुका है। ओहो, मेरे हस्बैंड बोले थे नहीं होगा, तो ये देखो हो गया है, एक ये निकल गया है, तो इसको मैं अंदर डाल लेती हूँ। हाँ, चलाओ ना, हाथे चलाओ, हाथे एदी की फिर धाओ मारे। एडे की एडे हेलीकॉप्टर ए चलती से। ओ गुड इवनिंग गाइज, अभी शाम के बजे हैं 5 और मेरे हस्बैंड जो है आ चुके हैं, और शाम का जो टाइम है ना एकदम मतलब अंधेरा अंधेरा हो गया है, पूरा अंधेरा देखो। और मैंने जस्ट अभी छोटा सा एक नैप लिया था, 4 बजे सोई थी, अभी फिर उठ गई मैं जल्दी से, क्योंकि मेरे इस फ़ोन में ना किसी का फ़ोन आ गया था, इस वजह से मैं उठ गई थी, वरना मैं उठती नहीं इतनी जल्दी। और अभी बनेगा चाय, चाय बनेगा तो शाम को जो है हमारा बस एक ही ड्यूटी रहता है, हस्बैंड घर आते हैं, घर आने के बाद चाय बनता है और कुछ नहीं होता है, उसके बाद हम सीधे घूमने जाते हैं। ये मेरा लहसुन का पेड़ विषय देसी चालाई से शॉप।
सुंदर ऐसे खूब सुंदर हबे ना। मेरे हस्बैंड बोले थे नहीं होगा, अगर होगा भी तो मैं नहीं देखूंगा, नहीं केयर करूंगा। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, क्योंकि इतना सा मैं खुद केयर कर सकती हूँ। और मैंने बोला है कि वो खाना मत और ना ही देखना उसकी तरफ। तो देखते हैं। और किस किस को इस फल के बारे में पता है? ये वाला टॉक फल, इसका एक ना चटनी बनती है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो कभी मैं बनाऊँगी, इतने में तो होगा नहीं, मुझे पता है। चार पांच और मिल जाएगा, मार्केट में मिलेगा तो मैं इसका रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। थोड़ा बहुत एक हाथ पीछे भी है, पेड़ लगा हुआ है, तो उससे भी मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा अब। लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत। इसकी मैं खरीदी करूँ। वन हैंड चैलेंज। এক হাত দিয়ে যে কয়বার পড়বে বিশ্বাস। না, ওয়ান কাপ দে দিয়া, আবি ইসমে ডালনা হ্যায়। और जो कि एक ब्लॉग आएगा, ये मेरा अमेजोन से एक प्रेस आया था, ये एक प्रेस था जो कि मेरा एक पेंट जल गया था, तो उसकी वजह से मैंने इसको लिया। तो वो मेरे शादी से पहले का था, मेरे हस्बैंड लोग का था, सो उस टाइम मेरा परमानेंटली हुआ नहीं था, तो उस प्रेस से मैंने एक बार प्रेस किया था। मेरा एक सूट, नया सूट जो एक ब्लैक कलर का है, उसका पैंट मैंने पूरा जला दिया था, सही में चिपक गया था। इस वजह से मुझे एक नया लेना पड़ा, क्योंकि प्रेस की भी बहुत ज़रूरी पड़ती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो मैंने उसको लिया है, ऑफर चल रहा था, आई थिंक 7-6 ऐसे का प्राइस है, 400 में हमें मिल गया ना। एर ओरिजिनल प्राइस कितना सिलो? 599। हाँ ऐसा ही कुछ था, तो हमें ये ऑफर में 400 का मिल गया है, सो इस वजह से हमने ले लिया इसको। तो ऑफर में 400 का है? ऑफर में नहीं है, ऑफर में ही मतलब 600 का मिला है। अच्छा, ऑफर में 600 का मिला है मुझे, वैसे 800-900 का है। हाँ तो ये कौन से बजाज कंपनी का है, सो मैं आपको दिखाती हूँ। आयरन, ये वाला जो होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रेस, इस्त्री, आयरन ही कहते हैं, आयरन। ये जो कलर गोल्डन कलर, अच्छा गोल्डन कलर है। हाँ इसका जो ये है आयरन है, ये गोल्डन कलर का, ये व्हाइट कलर का है। अच्छा लगा था इसका कलर, जैसे ब्लैक वगैरह होता है ना, ये पूरा गोल्डन कलर का है, अच्छा लग रहा है। इसका एक रिव्यू जाएगा, अनबॉक्सिंग वाला दिखा। हाँ अनबॉक्सिंग वाला जाएगा। राहो रे, हम चाय ढले नशी में हो रहो। तो मैंने चाय बनाया, पी के दिखाओ कैसा लग रहा है। करो इसे, लाइफ में पहली बार सही होना है। थैंक यू। ये है वो जहर का रंग।
जो इनको अच्छा लगा। कौन सा चायपत्ती लिया? वो नॉर्मल वाला। ये है वो जहर जो मेरे हस्बैंड को आज अच्छा लगा, बहुत ज्यादा तेज। और देखो मतलब बाहर अंधेरा हो गया है टोटली, हस्बैंड आए नहीं, अंधेरा छा गया, अंधेरा लेके आते हैं। तो अभी जस्ट टाइम हो रहा है, हाँ बंद कर दो। नहीं थोड़ा थोड़ा रहने दो, मैं बता दूंगी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मेरा खाना जो है बन चुका है। आज मम्मी के घर से मतलब आया था, मेरे मायके से आया था कुछ चिकन आया, तो यही चलेगा आज रात को। और अभी हम बैठ बैठ के, हस्बैंड एक वीडियो एडिट कर रहे थे साइड में बैठ के, बट अभी है नहीं, ये है मेरे हस्बैंड। और यहाँ बैठ बैठ के मैं देख रही हूँ मैं देख रही हूँ बंगाली मूवी मोयना। आई थिंक जो बंगाली है वो पता होगा, बहुत ओल्ड मूवी है, आजकल हमारा ओल्ड चल रहा है बहुत, तो वो देख रहे हैं मूवी हम। और मैं कुछ दिन से ना ये बना रही थी, हाँ ये मैंने किसी का देखा था क्राफ्टिंग, तो ये बना रही थी मैं। इसमें मैं रखूँगी मेरे दो टीवी के जो क्या कहते हैं रिमोट है, उन दोनों को रखूँगी क्योंकि वो दोनों खो जाते हैं ना, तो इन में रखूँगी मैं। और इसको कलर करके अच्छा से सुंदर से बनाऊँगी मैं, अभी और भी अच्छे से बनाऊँगी। तो अच्छे से बनानी है तो बनाऊँगी मैं। तो हस्बैंड अभी अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं और अभी टाइम, और और मैंने ना एक ये मंगलसूत्र लिया है, मैंने कुछ दिन पहले, मैंने साड़ी इस दिवा दशहरा में मैंने एक भी साड़ी नहीं लिया है, एक भी नहीं। सोचो कैसा गया है मेरा ये दशहरा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मेला ही नहीं हो रहा है और कुछ ही नहीं है यहाँ। मतलब अगर मेला होता है ना तो ही एक्साइटमेंट, तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट पूजा होता है तो पूजा वाले जितने भी साड़ी है वो मेरे पास है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। इस बार देखते हैं दिवाली में शायद ले पाऊँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हमारा खर्चा होने वाला है। तो फिर भी दिवाली में मैंने लिया इसको लिया, और एक लिया हैंडबैग जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है, तो अभी दिखाती हूँ मैं। तो ये मैंने अपने यहाँ से लिया लोकल मार्केट से, तो एक लिया था लव लिखा हुआ था, तो वो मम्मी ने मेरे को डांटा कि ये सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है वो है, वो अलमारी खोलो ऊपर डा और जो हैंडबैग दिलाई इसने, तो तभी मैंने ये वाला लिया, ये अच्छा लग रहा है वैसे। कमेंट में बताना जरूर कैसा लग रहा है। हाँ तो ये रहा, हस्बैंड ने मुझे ये वाला दिलाया जो ओके है क्योंकि मेरे पास था नहीं, एक था तो वो ख़राब हो गया था, तो ये रहा काम चलाओ। लेकिन और एक लेना है मुझे अच्छा सा, ये ऑनलाइन ऐसे काम चलाओ है। इसमें एक साइड और एक दिखाती हूँ मैं पूरा खोल के, दिखाऊंगी करके टाइम ही नहीं मिलता है। एक ये है और एक छोटा सा पॉकेट है, और सेकेंड ये है, दो पार्ट है इसमें, एक ये और एक ये, और बाहर एक छोटा सा पॉकेट, तो अच्छा है। ये रहा इसका डिज़ाइन, तो ये रहा मेरे दशहरे का जो शॉपिंग था, ये रहा। कुछ लिया नहीं फिर भी लिया, कहने के तौर पे तो लिया तो है कि दशहरे में लिया। पर्स अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर ये ब्लॉग भी अच्छा लगे तब भी आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में ना कुछ नहीं होता है, हाँ हमें अच्छा लगता है, हमें एक मतलब अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ हमें लाइक मिल रहा है, तो हम एकदम एक्टिव रहे यूट्यूब में। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि मैं आगे बढ़ूँ। और भी थोड़ा साथ चाहिए तो और भी बढ़ जाऊंगी मैं,
और अभी मैं यहाँ ऐसे बैठी हूँ, ठंड है ना, तो इस वजह से कम्बल ओढ़ के बैठी हूँ मैं। तो इस ब्लॉग में अब यही इन करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय एंड गुड नाइट।